सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड, दिस इज विजय बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी Xiaomi फोन में MIUI 10 इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि MIUI 10 रिसेंटली लॉन्च हुआ था। सो जब वो लॉन्च हुआ तो वो कुछ डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल था, बट वो अभी काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग मिल जाए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो रिसेंटली Xiaomi ने MIUI 10 की जो ग्लोबल बीटा डेवलपर रूम है वो अवेलेबल करना स्टार्ट कर दिया बहुत सारे डिवाइसेस के लिए। एंड उन सारे डिवाइसेस का नाम मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपके डिवाइस का नाम है तो ठीक है, आपके लिए डेवलपर रूम है। बट अगर आपके डिवाइस का नाम अभी तक नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा जब तक MIUI 10 की ग्लोबल बीटा डेवलपर रूम आपके डिवाइस के लिए भी अवेलेबल हो जाए। एंड अगर आपको देखना हो कि आपके डिवाइस के लिए MIUI 10 ग्लोबल बीटा डेवलपर रूम अवेलेबल है कि नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो जब भी किसी डिवाइस के लिए MIUI 10 बीटा डेवलपर रूम आएगी मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इवन आप मेरी हेल्प कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो फिलहाल अभी मेरे पास Redmi Note 4 है तो अभी हम इसमें MIUI 10 ग्लोबल बीटा डेवलपर रूम इंस्टॉल करेंगे। बट अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है तो भी ये मेथड जो है वो सेम रहेगा ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस के लिए। सो जो मेथड है वो सेम रहेगा बट जो फाइल होगी, जो MIUI 10 ग्लोबल बीटा डेवलपर रोम की फाइल होगी वो हर डिवाइस के लिए अलग होगी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में ध्यान से अपने डिवाइस के लिए फाइल जो है वो डाउनलोड करें। सो मैं आपको इस वीडियो में दो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल में MIUI 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहली चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना है वो ये है कि आपके फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। सो अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है एंड आप जानना चाहते हैं कि कैसे फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दी है, तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। सो आप मेक श्योर करें इस आई बटन में जाएं, यहाँ पर इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कीजिए एंड देन वापस इस वीडियो पर आएँ। एंड जो सेकेंड चीज़ है वो ये है, मेरे इन दो मेथड में से एक मेथड जो है वो रिकवरी रोम के थ्रू है, जिसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड। सो ये दोनों मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने फ़ोन का पूरा बैकअप बनाना है, बिकॉज इन दोनों मेथड में आप इंटरनल स्टोरेज डिलीट होने वाला है। सो आप अपने इंटरनल स्टोरेज का पूरा बैकअप कर लें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट ना हो। फर्स्ट मेथड में आपको फास्टबूट रोम फ्लैश करना है। सो इसके लिए आपको आपके अपने स्पेसिफिक डिवाइस के लिए फास्टबूट रोम डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं MIUI 10 आपके स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप अपने स्पेसिफिक डिवाइस के लिए डाउनलोड करें। सो फास्टबूट रोम डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे फास्टबूट रोम को इंस्टॉल करें किसी भी Xiaomi डिवाइस पे। सो इस मेथड को अच्छे से फॉलो कीजिए एंड श्योरली आपके मोबाइल में MIUI 10 रोम इंस्टॉल हो जाएगी। एंड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है MIUI 10 इंस्टॉल करने में थ्रू फास्टबूट रोम, तो आप सेकेंड मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड में आपको अपनी डिवाइस के लिए रिकवरी रोम डाउनलोड करनी है। सो रिकवरी रोम की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप अपने स्पेसिफिक डिवाइस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं रिकवरी रोम की फाइल। एंड मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फास्टबूट रोम अलग होती है, रिकवरी रोम अलग होती है। सो दोनों की अलग अलग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। सो आप ध्यान से जाके अपने मोबाइल के लिए फास्टबूट रोम या रिकवरी रोम डाउनलोड करें। सो नाउ सेकंड मेथड के लिए आपको अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी या रेड वुल्फ रिकवरी या जो भी रिकवरी आपने इंस्टॉल की है उसमें आपको बूट करना है। सो जब फ़ोन एक बार TWRP रिकवरी या जो भी रिकवरी आपने इंस्टॉल की है उसमें बूट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जाके वाइप में क्लिक करना है। एंड मैं बताना चाहता हूँ वाइप करने से पहले कि अगर आपने अपने फ़ोन का बैकअप अभी तक नहीं किया है तो आप अपने फ़ोन का बैकअप कर लीजिए, बिकॉज इस मेथड से आपका फ़ोन का पूरा इंटरनल स्टोरेज डिलीट होने वाला है। एंड इवन आपके कॉन्टैक्ट्स मैसेज सबका आप बैकअप रख लीजिए, बिकॉज इस मेथड से आपकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। सो नाउ वाइप में आने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस वाइप में जाना है। यहाँ पर आपको डेल्वी कार्ड कैशे में क्लिक करना है, सिस्टम में क्लिक करना है, डेटा में क्लिक करना है,
इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करना है एंड कैश में क्लिक करना है। अगर आप अपने इंटरनल स्टोरेज को बचाना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने इंटरनल स्टोरेज को अनटिक कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस यही है कि क्लीन इंस्टॉल के लिए आपको इंटरनल स्टोरेज को भी डिलीट करना चाहिए। सो ये सब टिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप टू वाइप करना है, जिससे ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी एंड आपके मोबाइल में एक क्लीन इंस्टॉल हो पाएगा। सो इसके बाद आपको बैक जाना है एंड इस स्क्रीन में आने के बाद अगेन आपको यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने डाउनलोडेड रोम जो है रिकवरी रोम है उसको कॉपी किया है। सो मैंने अपने माइक्रो एसडी कार्ड में कॉपी किया है, तो मैं उसमें क्लिक करके ओके करूँगा एंड यहाँ पर आपको वो फाइल दिख जाएगी। सो जो फाइल होगी वो रिकवरी रोम की, वो कुछ इस तरीके से फाइल होगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली वो एक जिप फाइल होती है। सो आपको उस फाइल में क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्वाइप टू इंस्टॉल करना है। सो नाउ जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। सो आपको पेशेंट रहना है जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास TWRP रिकवरी है तो भी ये मेथड उसमें वर्क करेगा एंड अगर आपके पास रेड वुल्फ रिकवरी है तो भी ये वर्क करेगा। तो मैंने दोनों में आपको दिखा दिया है। सो ये इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको बैक जाना है एंड आपको ये लेजी फ्लैश एंड नो वेरीफाई OTP encrypt.zip फाइल को भी फ्लैश करना है। इससे क्या होता है, आपके फ़ोन अगर कोई बूट लूप में अटक रहा हो इंस्टॉल करने के बाद, तो वो बूट लूप हट जाता है। सो आपको तुरंत इसके बाद ये फाइल को इंस्टॉल करना है। सो इसमें क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करना है एंड इवन मैं इस फाइल के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एक बार इसको इंस्टॉल होने के बाद सो आपको नाउ यहाँ रिबूट सिस्टम में क्लिक करना है। सो नाउ आपका फ़ोन जो है वो बूट अप होगा एंड इस बूट अप में ऑलमोस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं। सो आपको पेशेंट रहना है जब तक ये प्रॉपरली बूट अप नहीं हो जाता। सो नाउ जो आपका फ़ोन है वो प्रॉपरली बूट अप हो चुका है। नाउ अब मैं क्विकली इस फ़ोन को सेटअप कर देता हूँ एंड हम MIUI 10 के अंदर एंटर करते हैं जल्दी से जल्दी। सो नाउ अब हमारा फ़ोन जो है वो प्रॉपरली बूट अप हो चुका है। नाउ मैं क्विकली सेटिंग में जाता हूँ एंड देखते हैं हम कौन से MIUI वर्जन पे हैं। सो अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 7.0 ही है, मतलब कि वो नूगट वर्जन ही है अभी। बट जो MIUI वर्जन है वो अब MIUI 10 ग्लोबल 8.7.3 बीटा हो चुका है। सो अब हम लेटेस्ट MIUI 10 पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी फ़ोन में MIUI 10 इंस्टॉल कर सकते हैं जब उसकी बीटा डेवलपर रोम आ चुकी हो। सो अभी मैं कुछ दिन इस MIUI 10 बीटा रोम को यूज़ करूँगा एंड उसके बाद अपना फाइनल रिव्यू दूंगा कि कैसी है ये रोम, क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में आने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या कोई आप सुझाव मुझे देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड मैं सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दे दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड टेक केयर।